आज मैं फिर आपके सामने जमशेद खान कुछ बातें लेकर आया हूँ। आज का दिन विशेष है, खास है। आज 3 मई को महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले हमीद दलवाई, उनका आज पुण्यतिथि है। हमीद भाई का इंतकाल 3 मई 1977 को, 3 मई 1977 को हुआ था। और अमित भाई ने पूरे देश भर में, दुनिया भर में मुस्लिम सत्य शोधक के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया काम किया है, ऐसे कुछ काम किए हैं। 1970 में अमित भाई ने मुस्लिम सत्य शोधक मंडल की स्थापना की पुणे में। मुस्लिम समाज में शिक्षण, भाषा का समस्या, मुस्लिम समाज में आधुनिक विचार आने की जरूरत है। और उसके साथ में ही मुस्लिम समाज में कई बार हमें देखने जाता है कि वहाँ पर कई बार कुरान, हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जीवनी को लेकर कुछ बातें हैं, पर उन्हीं बातों को इर्द गिर्द सारा मुस्लिम समाज फिरता है, घूमता है। हमीद दलवाई का कहना था कि इसमें बदलाव आने की ज़रूरत है, इसमें चर्चा करने की ज़रूरत है, इसमें तर्क वितर्क के साथ कुछ नए चीज़ें आने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें जो है उसके बारे में हमीद दलवाई कई बार आवाज़ उठाते रहे। हमीद दलवाई ने 1966 में सबसे पहली बार मोर्चा निकाला, केवल 7 औरतों को लेकर उन्होंने मोर्चे की शुरुआत की। उस मोर्चे में उन्होंने मुंबई के काउंसिल हॉल पर जब मोर्चा शुरुआत हुई, तब उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में जो औरतों का पहराव है, बुरखा को लेकर, बुरखा प्रथा को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। मुस्लिम समाज में एक तरफा तलाक की पद्धत है, ट्रिपल तलाक की पद्धत है, सबसे पहली बार ट्रिपल तलाक के लिए आवाज़ हमीद भाई ने उठाई। उसके विरोध में उन्होंने मोर्चा निकाला, बहुपतित्व, पॉलीगैमी, उसके विरोध उन्होंने मोर्चा निकाला। और उसके साथ में, और ऐसा केवल मुस्लिम औरतों को लेकर मोर्चा निकालने वाले, उनके विरोध में बोलने वाले हमीद भाई, ये ऐसे पहले मुस्लिम रहे हैं। साथ में उन्होंने मराठी भाषा के लिए भी कुछ किताबें लिखी, जिसमें इंधन नाम की किताब है, एक कथा संग्रह है लाट, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ऐसी भी किताब लिखी। मेरी सबसे पहली बार हमीद भाई से, हमीद दलवाई के जब बारे में मुलाकात हुई, जब प्रत्यक्ष से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका इंतकाल तो 3 मई 1977 को हो गया, लेकिन मैंने उनकी एक किताब पढ़ी। और महाराष्ट्र के मराठी साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार पु ल देशपांडे का कहना था कि महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई है तो ये हमीद भाई दलवाई है और इनका काम है। और इतने बड़े तादाद पे इन्होंने काम किया, आज भी उनको याद किया जाता है। और साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदे के लिए हमीद भाई तब से आवाज़ उठाते रहे कि ये भारत में ज़रूरत है, भारत में सेकुलर ह्यूमनिज्म के लिए, सेकुलर मानवतावाद के लिए ये बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदे के लिए भी आवाज़ उठाते रहे। ऐसे हमारे हमीद दलवाई, हमीद उमर दलवाई, उनका इंतकाल 3 मई 1977 को हुआ। लेकिन कई बार मुस्लिम समाज में यह बताया गया कि हमीद दलवाई ये मुस्लिम विरोधी है और युवकों के बीच में, इसलिए हमीद दलवाई की आजकल बातें नहीं होती है। लेकिन हमीद दलवाई ये मुस्लिम विरोधी नहीं थे, ना ही इस्लाम विरोधी थे। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि इस्लाम में रहने वाले रूढ़ी परंपरा और इस्लाम में चलने वाले गलत प्रथाओं के विरोध में उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया और उनके लिए काम भी करते रहे। मुस्लिम सत्य शोधक समाज, मुस्लिम सत्य शोधक मंडल, ये आज भी पुणे में काम कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है, परित्यक्ता महिलाओं के लिए काम कर रहा है, उनके लिए रोजगार देने का काम कर रहा है। तो ऐसे आज हमारे हमीद भाई दलवाई, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जहाँ कहीं भी रहे उनको अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और ये बोल के मैं अपनी बात रखता हूँ। शुक्रिया।